हिसार के रिता कुंडू का चयन तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। पर्वतारोहण में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने इनके नाम का चयन किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अनीता के नाम पर मुहर लगा दी। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति के हाथों उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट के साथ एक मोमेंटो भी होगा और अब के बार इस अवार्ड के लिए राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए देने पर विचार किया जा रहा है। ये पर्वतारोहण के साहसिक खेल में भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसी के चलते हिसार में उनके घर में परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अनीता हरियाणा पुलिस में करनाल में बतौर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस श्रेय को मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी कि जिन्होंने एक विधवा होकर के और विश्वास किया एक बेटी के ऊपर कि जिन्होंने मैंने जो भी कहा कि माँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उन्होंने विश्वास करके और समाज से परिवार से फाइट करके मुझे एक मतलब कि एक रास्ता दिया कि बेटा आप कर सकते हो, कैसी भी परिस्थितियों में लड़ूंगी। दूसरा, मैं पूरे देश को ये श्रेय देना चाहती हूँ कि भाई हमेशा जैसी भी परिस्थिति रही मैं फाइट करती गई, तो मेरे पूरे समाज ने, देशवासियों ने मेरा सहयोग किया। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं SIS कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरी जो इस गेम के जिन्होंने 4 चांद लगाए, SIS कंपनी के फाउंडर RK सिन्हा जी, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में अडोप्ट किया। और मेरी जो मेरा गेम है, मैं आपको बता दूं, एडवेंचर, वो बहुत महंगा है और उस गेम को चलाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उस गेम को 4 चांद उन्होंने लगाए जिन्होंने एक बेटी के रूप में अडॉप्ट करके मेरे गेम को आगे बढ़ाया, मुझे 7 महाद्वीपों की इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का मौका मिला।